हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एट फर्स्ट आप सब लोगों को हैप्पी महालया एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। एंड ये ड्राइंग का दूसरा पार्ट है, आई मीन टू से इस ड्राइंग का पेंसिल स्केच जो था मैंने फर्स्ट पार्ट में अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने वाटर कलर से कलर किया है माँ दुर्गा को। तो मैंने बेस पेंटिंग कर लिया है नॉर्मल येलो कलर से। अभी मैं थोड़ी बहुत शेडिंग करूँगी जिसके लिए मैंने गोल्डन येलो कलर लिया है। एंड फेस के कुछ कुछ पोर्शन पर आप लोग देख सकते हो, मैं उसको अप्लाई करूँगी थोड़ी सी डार्कर शेड्स के लिए। अभी मैं सेम गोल्डन येलो कलर को लूँगी आईज़ को शेडिंग करने के लिए। एंड देन मैं रेड कलर को लूँगी फोरहेड में जो बिंदिया है उसको पेंट करने के लिए। देन मैं हेयर को डायरेक्टली ब्लैक कलर नहीं किया है, पहले मैंने दो शेड ब्राउन की अप्लाई किया है, देन उसके ऊपर ब्लैक कलर को अप्लाई किया है। इससे हेयर के कलर और फिर इन्हेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे ब्राउन के दूसरे देने के बाद वैसा ही ब्राउन कलर को मैंने आंखों पर भी अप्लाई किया है, इससे टेक्सचर अच्छा आएगा। देन मैं आईब्रोज को भी सेम ब्राउन कलर से पेंट कर दूंगी। अभी मैं हेयर को ब्लैक कलर करूंगी स्मॉल पेंट ब्रश से, जिससे मैंने आईज और आईब्रोज को पेंट किया था। मेरे स्मॉल पेंट ब्रश का आई थिंक नंबर था 000, तो उससे मैंने हेयर को स्टेप बाय स्टेप पेंट करूंगी। एंड देन मैं आंखों को भी ब्लैक कलर दूंगी। उसी ब्रश से मैं नोज को भी थोड़ा शेडिंग कर दूंगी। अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पे मेरा हाथ लड़खड़ाता है, क्योंकि आंखों में ब्लैक कलर करने से मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत भूल चूक हुई तो भी पूरा पेंटिंग कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए फोरहेड के आई को पेंट करने के बाद मैं आंखों पर थोड़ा सा व्हाइट डॉट दे दूंगी, जिससे आंखों पे सिमरी इफेक्ट आएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन मैं लिप्स को कलर करूंगी रेड कलर से। इसको बहुत जेंटली कलर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कलर मार्क से बाहर जाने के हाई चांसेस रहता है। देन साड़ी का जो साइड का पोर्शन रहता है मैं उसको पेंट करूंगी रेड कलर से। मैंने माँ दुर्गा के लिए इस साड़ी की थीम रखा है रेड एंड व्हाइट के ऊपर। मैंने जितना सिंपल हो सके साड़ी को वैसे ही डिज़ाइन किया है। आप लोग अपने मनचाहा कलर या फिर डिज़ाइन भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये सिंदूर पहनाने के बाद आई स्वेयर मेरे पास जो आर्ट पीस है मैं क्या ही बताऊं। आप लोगों को ये ड्राइंग इस वीडियो में देख के कैसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम, बट मेरे हाथ में जो ओरिजिनल पीस है इसका मैं क्या ही बताऊं। मेरे ड्राइंग की तारीफ मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ, मैं करती ही नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया है। मेरे बात अगर मानोगे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार ज़रूर ये ड्राइंग करके देखना, खुद से बहुत अच्छा लगेगा। एंड बकबक करते करते मेरा ड्राइंग ऑलमोस्ट पूरा ही ख़त्म हो चुका है। आप लोग देख सकते हो इसका आउटकम कैसा आया है एंड मैं क्यों ये सब बता रही थी। नाउ दिस ड्राइंग इज़ ऑल ओवर टू यू। आप लोगों का हक है कमेंट करना एंड आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा था, मैंने बताया। आप लोगों को अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो, जैसे भी लगा हो प्लीज़ कॉमेंट में बताना। एंड दुर्गा पूजा में बहुत इंजॉय करना, सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन करके ही। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ड्राइंग वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।